क्या आप आज से शेख रसीद परिवार के साथ या हम पार्टी के साथ नहीं लगे हुए? कई बरसा बरस का हमारा और आपका साथ है, और आप यकीन जानिए मालेगांव शहर के अंदर आपके जैसा ईमानदार, मजबूत, टिकाऊ वर्कर दूसरी पार्टियों के पास नहीं है, जो हमारे अपने पास है, जो आप लोगों का साथ रहा। माशाल्लाह शेख रसीद साहब कुछ दिनों के बाद मालेगांव शहर आएंगे और एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर जरूर वो शामिल होंगे, आप लोग इंतजार करिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही वर्करों का, शेख रसीद साहब को चाहने वाले, हमारी फैमिली को चाहने वाले तमाम ही जूने पुराने नए साथियों का। झूठ फसाद की सियासत ये शहर के अंदर की जा रही है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। शेख रसीद साहब का बाईपास सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, और शेख रसीद साहब नासिक में डॉक्टरों की निगरानी के अंदर इलाज करवा रहे हैं। दोस्तों और साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जलसा लेने के लिए हमने पहले ऐलान किया था, और इस बीच में काफी लोग ने व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज किया, वर्करों ने, जिम्मेदारान ने, पब्लिक ने, और मुझसे मुलाकात करके भी उन्होंने कहा कि आप जलसा लीजिए। आप लोगों को पता है कि शेख रसीद साहब का बाईपास सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, और शेख रसीद साहब नासिक में डॉक्टरों की निगरानी के अंदर इलाज करवा रहे हैं। हम लोगों का, फैमिली का, जिम्मेदारान का ज्यादा वक्त तो शेख रसीद साहब पर, ज्यादा उनकी तबीयत ठीक हो जाए इसके लिए तवज्जो हम लोग दे रहे हैं, इसके लिए जलसा लेने में ताखीर हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह शेख रसीद साहब कुछ दिनों के बाद मालेगांव शहर आएंगे और एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर जरूर वो शामिल होंगे। जलसा हमने ऐसा प्रोग्राम तय किया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में या दिसंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर जलसा लेने का हम लोगों का इरादा है, और मालेगांव शहर में जितनी हमारी मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं, मैं आज ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जितनी भी सियासी पार्टियां हमारे मुखालिफ है, कई दिनों से हम लोग उनकी एक्टिविटीज देख रहे हैं। झूठ फसाद की सियासत ये शहर के अंदर की जा रही है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। उनका जो झूठ और फसाद बोला जा रहा है, उनका जलसा लेकर तमाम ही सियासी पार्टियों का समाचार हम लोग जरूर लेंगे और जलसा जरूर लेने वाले हैं हम, आप लोग इंतजार करिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही वर्करों का, शेख रसीद साहब को चाहने वाले, हमारी फैमिली को चाहने वाले तमाम ही जूने पुराने नए साथियों का, वर्करों का, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप आज से शेख रसीद परिवार के साथ या हम पार्टी के साथ नहीं लगे हुए। कई बरसा बरस का हमारा और आपका साथ है, और आप यकीन जानिए मालेगांव शहर के अंदर आपके जैसा ईमानदार, मजबूत, टिकाऊ वर्कर दूसरी पार्टियों के पास नहीं है, जो हमारे अपने पास है, जो आप लोगों का साथ रहा, आज भी आप लोग साथ है। और शेख रसीद साहब की एक पॉलिसी है कि गरीबों का काम, झोपड़पट्टियों का विकास, शहर का विकास, मुस्लिम मसाइल, सभी समाज, सभी धर्म, सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलना, जो शेख रसीद साहब का मिशन है, हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग जलसा लेंगे और आने वाले हर इलेक्शन में इंशाल्लाह कामयाबी हमारे वर्करों के, आपके बलबूते पर हम लोग को मिलेगी, अल्लाह की जात पर हमको पूरा भरोसा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि चंद दिनों की बात है, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, जल्द ही इंशाल्लाह जलसे की तारीख का ऐलान किया जाएगा और वो तमाम ही सियासी पार्टियों का समाचार लिया जाएगा। आप ऐसे वर्कर हो, मैंने कहा कि आप ईमानदार, मजबूत, टिकाऊ वर्कर हो, इसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं
कि हमारी जो दीवार बनी हुई है, आप लोग जो दीवार बनकर हमारे परिवार के साथ खड़े हुए हो, ऐसे नहीं खड़े हुए, इसमें आपकी मेहनत, आपका पसीना, आपका खून, आपका वक्त लगा हुआ है। और अगर कोई सियासी पार्टियों के हमारे मुखालिफ जितनी भी सियासी पार्टियां अगर ये सोच रहे होंगे कि दीवार को गिरा दिया जाए, तो दीवार ऐसा गिरने वाली नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये बालू की दीवार नहीं है, ये लोगों की मेहनत, जहदोजहद, खून पसीना लगाकर, वक्त देकर ही दीवार मजबूत है। और ये शहर की गरीब आवाम, इस शहर के मुखलिस वर्कर हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है, और ये शहर का हर वो इंसान जो विकास चाहता वो हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इसका जरूर टेलर आप लोगों को बताया जाएगा और जलसे की तारीख का ऐलान करेंगे। कुछ दिन के लिए आप लोग इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।